गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, और इस वीडियो में हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है इसमें से काफी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो जो आप इस आपके लिए जो वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है, और हम उन सभी चीजों पर जो होते हैं ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन के अगर छोटी सी डेफिनेशन बनाए, सिंपल सी डेफिनेशन बनाए, तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। या आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है इन विच वी टेक द ऑक्सीजन और इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो बी ऑकर इन द सेल। तो इस तरीके से जो होता है आप डेफिनेशन को जो है बना सकते हो। जैसे कि एक डेफिनेशन हमने बनाई है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द गैस। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज टेक प्लेस इन द सेल, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी क्या होता है, सेल में होता है। तो इसी तरीके से आप अलग अलग डेफिनेशन जो बना सकते हो। तो मेनली आपको ये कहना है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, साथ में ये ऑक्सीजन जो होते हैं वो सेल में जाकर फूड को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाती है जिसे हम बाहर छोड़ देते हैं। तो इसी बीच कई बार जो होते हैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, फिर ब्रीदिंग क्या होती है। तो आपको बताना कि ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ द एयर। जब आप एयर को अंदर लेते हैं और एयर को बाहर छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो ब्रीदिंग कहलाती है। और इसमें कई बार जो होता है डिफरेंस भी आ जाता है करना। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट या बीएससी के स्टूडेंट हो तो वहां पे जो तो लिखना पड़ता है आपको, एमसीक्यू तो आते नहीं, तो उसमें कई बार जो होता है क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड द ब्रीदिंग। तो आप बता सकते हैं तो डेफिनेशन कि ब्रीदिंग का मतलब क्या, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ द एयर। और यहाँ पे आप बता सकते हो रेस्पिरेशन में उसका मतलब क्या होता है, आप बताएंगे भाई इसमें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और दूसरा आप ये बता सकते हो रेस्पिरेशन को करने के लिए कई एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, मगर ब्रीदिंग को करने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रीदिंग जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, वो सेल के अंदर एयर नहीं जाती, वो किस में रहती है, ऑर्गन में रहती है, और ऑर्गन से क्या हो जाती है बाहर। तो वो कैसा प्रोसेस है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। मगर रेस्पिरेशन करते वक्त ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब होता है तो वो सेल के अंदर जाके होता है, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये इंटर और इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। तो इस तरीके से जो होता है उसमें डिफरेंस जो है वो बता सकते हो। इसको करने के लिए जो होता है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इसमें एनर्जी बनती भी है, मगर ब्रीदिंग को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसमें कोई एनर्जी बनती। तो इस तरीके से जो होता है उसमें डिफरेंस बता सकते हो। अब आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, एरोबिक होता है, और एक क्या होता है, एनारोबिक होता है। जैसे कि आपको पता ही है एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो कब होता है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, और ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। तो कई बार 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, वो कई बार गलती कर देते हैं लिखते वक्त, और जब भी उनको टीचर एग्जाम्पल देता है या फिर उनसे डिफरेंस पूछ लेता है तो वो बताते हैं कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, जो कि ठीक है, मगर यहाँ पे कह देते हैं कि ये CO2 की प्रेजेंस में होता है, जो कि क्या है, गलत है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको ध्यान देना है कि ये कैसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये बात। इसी तरीके से अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं तो ये किसके अंदर होता है, ह्यूमन बींग के अंदर होता है, और इसकी ये रिएक्शन जो होते हैं वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक में। तो ये सिर्फ ये लाइन आपको क्या करा देगी, वो पूरा क्वेश्चन सोल्व करा देगी। कैसे वो हम आगे देखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल लगते हैं, इसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या होता है, इससे CO2 बन जाती है, और वाटर जो होता है वो बन जाता है, और ATP बन जाती है। ATP वो मॉलिक्यूल होता है जो हमें एनर्जी देता है। इसी तरीके से ये तो हमारी बॉडी में यूज हो जाती है, वाटर जो होता है वो भी हमारी बॉडी में यूज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो होता है पूरा प्रोसेस होता है। अगर हम
एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप देखे तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या मतलब है और इनडायरेक्ट में क्या मतलब है? तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी जो सेल है, कोई आपने एनिमल लिया ऐसा जिसमें बस एक ही क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर डायरेक्ट एनवायरमेंट से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन। और ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में, स्पंगी में और कई तरह के आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। अगर आपके पास कोई सिस्टम डेवलप है, मतलब कि आपके पास लंग्स है, गिल है, या फिर आपके पास थ्रोट है या स्किन है, अगर उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसके थ्रू आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट में कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो आपके लंग्स होते हैं, ये लंग्स क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं और यहां से फिर वो काफी पहुंचा दी जाती है, सेल के पास पहुंचा दी जाती है। तो ये इंटरमीडिएट बन गए ना, इन्वायरमेंट से कहां पे आएगी लंग्स में और लंग्स से कहां पे जाएगी सेल के पास। डायरेक्ट तो इन्वायरमेंट से नहीं आई ना सेल के पास, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोसेस है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस। और इसमें क्या बनता है इंटरमीडिएट? स्किन बनती है, बक्कल फेरनेकल बनता है जैसे एम्फीबियन में होता है, और ब्रोंचियल लंग्स जो होते हैं वे बनते हैं। तो इस तरीके से जो होता है तीन क्या होते हैं आपके, इनडायरेक्ट होते हैं। अगर कोई जैसे एनिमल है जो स्किन से सांस ले रहा है, तो स्किन से सांस लेने वाले के लिए हम यूज करते हैं कि वो किस तरह का रेस्पिरेशन कर रहा है, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है। अगर आपने फ्रॉग को देखा है, जैसे एम्फीबियन होता है फ्रॉग, तो उसको देखा है तो वो क्या करता है, अपने थ्रोट को फुला लेता है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम कह देते हैं बक्को फेरनेकल टाइप का रेस्पिरेशन। इसी तरीके से जो ह्यूमन बींग में होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, बाद में ट्रेचे में फिर ब्रांचेस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या होते हैं, टाइप होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के क्या होते हैं, टाइप होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप। अब बात करते हैं एनारोबिक की। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। ये प्रोसेस आप काफी लंबे समय से जानते भी हो, इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन आपने याद होगा कि अल्कोहल बनाने के लिए जो होते यूज करते हैं, कि कोई भी आप चेंबर ले लो, उस चेंबर के अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर जो होता है या वेस्ट जो होती है वो डाल दो, और उसके अंदर क्या डाल दो, यीस्ट वगैरह जो होती है, फंगस जो होते हैं डाल दो, और इसे बंद कर दो, और बंद करने के बाद इसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख दो। तो ये फंगस क्या करेगी, इस फूड को डीके करती रहेगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ये सारा क्या होगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद इसमें क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये होता है फर्मेंटेशन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तो वो क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन, और उसी को हम क्या कह देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि इसमें जो हमने ऑर्गेनिक मैटर लिया था वो क्या था, ग्लूकोज था, और उसको फंगस ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्या बना दिया, अल्कोहल। कैसा अल्कोहल, इथेनॉल बना दिया उसमें, C2H5 इथेनॉल होता है, और साथ में क्या बना दिया, CO2 बना दी, और थोड़ी सी क्या बना दी, ATP बना दी, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया फंगस के अंदर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो आपको बताना है कि हाँ, कई कंडीशन ऐसी होते हैं जिसके अंदर हमारे अंदर भी क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जबकि हम कैसे है, एरोब ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, मगर फिर भी कई कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो वो कब होता है कि जैसे आप मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, या कोई वर्कआउट आप कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी मसल्स क्या हो जाएगी, थक जाएगी, और थकने के बाद उनमें हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मगर आप रनिंग करना या एक्सरसाइज करना छोड़ नहीं रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो मसल सेल्स जो होती है वो क्या करने लग जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाएगी, और एनारोबिकली ग्लूकोज को तोड़ेगी, और वहां पे क्या बनाएगी, ये बनाएगी क्या है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनाने के बाद वहां पे बनेगी थोड़ी सी ATP, और उस ATP को वो यूज कर लेगी। तो आपके मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और थोड़ी सी अमाउंट में क्या बनती है, ATP। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट था जो पेपर में कई बार आ जाता है और ये आपको ध्यान रखना है।
अब कई बार जो होता है इसका डिफरेंस जो है वो पूछ लेते हैं कि एरोबिक में और एनारोबिक में जो होता है वो क्या डिफरेंस होता है, तो आप इसको देखकर ही जो है बता सकते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक तो आपने ये बता दिया कि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो आप बताओगे कि ऑक्सीजन की किस में होता है, अब्सेंस में होता है। दूसरा आप ये बताओगे कि भाई यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बना है और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बना, तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो CO2 होती है। CO2 की क्या होते हैं, 6 मॉलिक्यूल होते हैं। 6 जो होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और ATP जो होते हैं आप क्या बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप बताओगे कि इसके एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें इथेनॉल बनता है और CO2 बनती है, प्लस में ATP जो है वो बनती है। या आप इनको जो होते हैं अलग अलग करके भी बता सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये बनते हैं। इसी के साथ जो होता है आप बता सकते हो कि भाई ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये कितने स्टेप में होता है। ये मल्टीपल स्टेप में होता है, लगभग 5 स्टेप जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। मगर ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ये आधा अधूरा स्टेप होता है, 2 ही स्टेप में जो होता है कंप्लीट हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस और पायरेट। पायरेट भी जो होता है कंप्लीट नहीं होता है। इसमें जो होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरेट होता है, उसके बाद जो होता है ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसके बाद जो होती है ATP बनती है। तो इसको करने के लिए कहाँ कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरीके से जो होता है आप सिर्फ रिएक्शन को देख के जो है उसके बारे में काफी डिटेल जो बता सकते हो, डिफरेंस जो बता सकते हो और उसके बारे में लिख भी सकते हो। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10th के 12th के स्टूडेंट है तो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से कुछ बातें जो है वो पेपर में आ जाती है, एग्जाम में आ जाती है। तो वो बातें जो होती है आपको ध्यान रखनी है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, जैसे कि मसल सेल्स जो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते नहीं करते, और फर्मेंटेशन में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इस तरीके से, और कितनी ATP जो होती है बनती रहती है, कौन सा एंड प्रोडक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में जो होते पूछ लिए जाते हैं। तो आज का ये तो हमारा टॉपिक, और आगे इसमें जो होते हैं डिटेल में हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो होता है इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को जो है डिस्कस करेंगे। आपको जो अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई हो, तो वीडियो को आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।